Good morning to all of you. Today I'm going to discuss the question and answer of speaking part 1, and the topic is newspapers. First question is, how often do you read a newspaper? Mostly कई लोगों को आदत होती है कि वो डेली पढ़ते हैं. कई होते हैं कि वो जब उनको टाइम मिले दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद या वीकेंड पे, तब वो पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. Honestly, I do not read newspaper every day. I read newspaper on the weekends, but I check the main headlines every day or every morning on the internet. Why do you think some people like reading newspaper? Newspapers are the excellent way to get knowledge of what happens in the world. People read newspaper for the different purpose. Such as some people read newspaper for employment advertisement and some for matrimonial. Business people read the newspaper for international news and the trade news. Which other sources can people use to find out about the latest news? एक तो न्यूज़पेपर आता है कि वो डेली से डेली अपडेट करवाता है हमको न्यूज़ के बारे में, पर आजकल रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, वो एक और दूसरे सोर्सेज है जो न्यूज़ हमें प्रोवाइड करवा सकते हैं. डू यू थिंक दैट इट इज एसेंशियल टू नो अबाउट न्यूज़ फॉर अदर कंट्रीज? ऑब्वियसली ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी कंट्री किसी और कंट्री के साथ डील कर रही है, उस डील का हमारे नॉर्मल पीपल पर क्या असर होगा, क्या उसमें हमारी इनकम पे असर होगा, या टैक्स पे क्या क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ों का हमें जानने के लिए हमें इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी चाहिए. रीडिंग इंटरनेशनल न्यूज़ पेपर कल्टिवेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज. और कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जैसे ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज होती हैं, वो दूसरे देशों को भी इफेक्ट करती हैं. पब्लिकेशन ऑल्सो कनेक्ट यू ऑन अ डीपर, कि एक इंसान को दूसरे लोगों के साथ डीपली एक कनेक्शन बन जाता है अगर हम किसी दूसरे कंट्री की न्यूज़ पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में जानते हैं, उनसे हमारे कल्चर के उसके कल्चर के बारे में जानने की हमको मौका मिलता है. नोइंग व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर कंट्रीज गिव द पीपल पर्सपेक्टिव ऑफ ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर डिफरेंस. उनका क्या डिफरेंस है हमारे कल्चर से और उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, ये सारी चीज़ जानने के लिए हमें इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ न्यूज डू यू यूजली फॉलो? अलग अलग इंसान का अलग अलग इंटरेस्ट होता है. जो जैसे मैंने पहले बताया, बिजनेसमैन मोस्टली क्या करते हैं, इंटरनेशनल न्यूज और ट्रेड रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं, और जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिशियन रिलेटेड न्यूज पढ़ते हैं, और मोस्टली जो यंगस्टर है वो एजुकेशनल, स्पोर्ट्स और न्यू फैशन रिलेटेड न्यूज़ जो वो पढ़ते हैं. आई रीड द स्पोर्ट्स, एजुकेशनल एंड फैशन रिलेटेड न्यूज़ एंड ऑल्सो चेक द एम्प्लॉयमेंट एडवर्टीजमेंट, कि कौन कौन सी जॉब आ रही है, ताकि मैं उनको फिल कर सकूँ और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकूँ. तो ये सारी चीज़ें बोल सकती हूँ. सो इट इज़ एंड ऑफ द सेशन. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.